हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनविथनेस और मैं हूं निशु। सो गाइज, आज हम लोग को जाना है बारबेक्यू नेशन। अचानक से प्लान बन गया कि बारबेक्यू नेशन जाने का, तो हम लोग दुर्गापुर पे जा रहे हैं। एंड सभी लोग नहीं जा रहे, पूरे घर वाले नहीं जा रहे, बस मैं एंड मेरे हस्बैंड, तीनों भाई, मतलब मेरे दोनों देवर एंड मेरे हस्बैंड एंड रियो, हम लोग बस इतना ही लोग जा रहे हैं। तो अभी मुझे रेडी होना होगा, लेट भी हो रहा है, 1 घंटे में निकलना है। मुझे रेडी होना है, रियो को रेडी होना है, सबको रेडी होना है। मीन्स अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुए हैं, तो चलिए टैक्सी में वो रेडी हो जाते हैं। सो गाइज, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। अचानक से प्लान बना है जाने का, एंड मेरा मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे अपना हेयर स्टाइल करना है। तो आपको तो पता ही है कि मैं अपना हेयर हमेशा ओपन ही रखती हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो दुपट्टा वगैरह सेट करने के बाद मैं हो गई रेडी, मतलब अभी थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम लगाऊंगी। एंड यहाँ पे मेरे फिंगर्स के ना नेल्स सॉरी मेरे नेल्स के ना नेल्स पॉलिश थोड़ा सा बिगड़ गए थे, तो मैं जस्ट नेल पॉलिश के ऊपर से ही एक पॉलिश कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद परफ्यूम वर्फ्यूम लगा कर हो गई मैं रेडी। रियो नीचे रेडी हो रही है, दादी माँ उसके रेडी कर रही है, एंड मैं ऊपर में क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को। सो गाइज, मैं रेडी हूँ एंड रियो नीचे रेडी हो रही है, दादी माँ उनकी रेडी कर रही है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है रियो को रेडी करना। वह मतलब शांत रहती नहीं है, पूरा इधर उधर भागती रहती है, तो उसको पकड़ पकड़ के पूरा रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हुए हैं रास्ते में, एंड गाड़ी में जो लाइट होता है वह ऑफ था, इसलिए आपको पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, बट पता तो चल ही रहा होगा ना कि कौन कौन बैठे हुए गाड़ी में। एंड रियो यहाँ पर सो गई हुई है। तो अभी आप टाइम यहाँ पर देखो 8 बजने वाला है, एंड 8 बजे ही हम लोग का बुकिंग था, 8 बजे से ही वहाँ पर हम लोगों को मतलब खाने जाना था। बारबेक्यू नेशन में जाने से पहले आपको बुकिंग कराना होता है कि कितने लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे वे लोग टेबल बुक करके रखते हैं आपके लिए, मतलब किसी और को नहीं देंगे, आपके लिए रखे रहेंगे। तो यार, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं, एंड अभी जा रहे हैं पार्किंग एरिया पे। यहाँ पे आप जो पीसी चंद्रा ज्वेलर्स देख रहे हो ना, उसी के ऊपर वाले फ्लोर पर बारबेक्यू नेशन है। तो यहाँ पर हम लोग पार्किंग में गाड़ी पार्क किए, एंड अब हम लोग जाएंगे बारबेक्यू नेशन। तो यहाँ पे पीसी चंद्रा ज्वेलर्स एंड उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है बारबेक्यू नेशन, एंड उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी कुछ है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं गई हूँ। मैं एक बार और गई थी बारबेक्यू नेशन, एंड यह मेरा सेकेंड टाइम है। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको सब कुछ खाने को मिल जाता है। तो अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो लिफ्ट से जाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग अंदर में इंटर कर चुके हैं, एंड अभी हम लोग अभी वेट कर रहे थे लिफ्ट का जो आ गया हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर में। तो हम लोग उस फ्लोर पे पहुँच गए जहाँ पे बारबेक्यू नेशन है, एंड यहाँ पे देखो अब कितना अच्छा लाइट वाइट लग रहा है। एंड मैं देखती यहाँ पे जो BN लिखा हुआ है बारबेक्यू नेशन का शॉर्ट फॉर्म, मैं अपने हस्बैंड को बोली कि यहाँ पे मेरा पिक्स ले दीजिए, मतलब और काफ़ी अच्छा पिक्स भी आया हुआ है, तो मैं थंबनेल में डालूँगी, आप लोग देख लेना। एंड यार, तो उसके बाद हम लोग अब एंटर कर रहे हैं अंदर में। काफ़ी मतलब अच्छे से पूरा सेफ्टी से सब लोग थे, पहले हाथ सैनिटाइज वगैरह किए, एंड अंदर में जितने सारे स्टाफ थे सब भी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। तो यह अंदर का व्यू है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेफ्टी से सब लोगों ने खाना परोसा है, एंड काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी क्लीन से रहते हैं लोग यहाँ पे, आप देख सकते हो कि सब कितने अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, मतलब बार बार। एक बार तो जब सब लोग गए होंगे तब क्लीन किया होगा, फिर जब हम लोग आए हैं तो एक बार और अच्छे से वे लोग क्लीन किए। एंड यहाँ पर अभी लगा रहे प्लेट वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पे 700 रुपये पर पर्सन लगते हैं, मतलब एक लोग जा रहे हैं तो उनका 700 लगता है। एंड वेज वाले का शायद अलग है, और मैं बिल नहीं पे की थी, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट वेज वाले का शायद थोड़ा सा कम है, 600 होगा। एंड जो नॉन वेज खाता है उनका 700 है, एंड उतना में आप जो चाहो वह खा सकते हो, मतलब सब कुछ जी भर के खा सकते हो। तो बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा है, बट 700 का
मैंने तो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो 200 का भी मैंने खाई होंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। जो मटन वटन खाते हो वे लोग थोड़ा सा खा भी लिए होंगे, जैसे मेरे हस्बैंड लोग हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत सधाया पैसा, मतलब पैसा वसूल किया थोड़ा बहुत, बट मेरे से उतना नहीं हो पाया। यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने कॉर्न दिया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर बस वही खाना रहता ना तो मैं तो जी भर के पूरा फुल प्लेट खाती, बट बहुत कुछ टेस्ट करना था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। उसके बाद यहाँ पे तंदूर लगाया जाता है, मतलब सब रखते हैं, अपने आप यहाँ पे गर्म होते रहता है, फिर आप आराम से खाते रहो, वे लोग सर्व करते जाते, मतलब आप जितना खाओ, जितना आपको खाना उतना खा सकते हो। तो खाने में हम लोग थक जाते हैं, वे लोग सर्व करने में नहीं थकते हैं। तो अगर आप कभी दुर्गापुर में हो या उसी के आस पास हो, यहाँ पर आप कभी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ का जो सर्विस है वह तो और ज़्यादा बढ़िया है, मतलब इतना पोलाइट है ना वे लोग, इतना अच्छे से बात करते हैं, इतना बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। तो यार तो सब यहाँ पे मेरे लिए एक अलग में, मैं वेज हूँ तो मेरे लिए एक अलग में भी जिसमें पनीर वनीर सब रखा हुआ है, एंड इन तीनों भाई के लिए एक तरफ अलग में जिसमें चिकन फिश वगैरह पता नहीं क्या क्या है, तो वही सब परोसा गया हुआ है। तो वे लोग अपना खाए जा रहे हैं। एंड यह रियो के लिए डिजर्ट है, मेरे लिए देखो कितना कम है क्योंकि मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ही भेज में थी, इसलिए वे लोग थोड़ा कम दे रहे थे, धीरे धीरे दे रहे थे क्योंकि मैं खा नहीं पा रही थी। एंड यह पनीर है, वेजिटेरियन के लिए तो एक पनीर ही तो होता है स्पेशल ना, पनीर था, मशरूम, पाइनएप्पल, मतलब बहुत कुछ था जो आप खा सकते हो। और यहाँ पे मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे आप लोग ट्राई ज़रूर करना क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ का सर्विस है। एंड खाने में तो मतलब बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। अभी जो आपने रेड कलर का देखा होगा बीट रूट कबाब था, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे जो भी है सब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार रेस्टोरेंट में गई हूँ एंड इतना अच्छा लगा ना मुझे, इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं पाऊँगी, तो बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं अक्सर जाया करती थी बट जब से कोरोना का कहर छाया था एंड लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद मैं कभी रेस्टोरेंट में नहीं गया। ऐसे बाहर में पुचका वगैरह कभी कभार मैंने खाया है बट ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर नहीं। एंड रियो को यहाँ पे मैं खिला रही हूँ एंड वो सब वो देख के, मतलब उसको भीड़ भाड़ ना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सबको देख के। एंड ये सब मेन कोर्स जो होता है वह है, तो इसमें से मैंने मतलब इसमें से मैं कुछ भी टच नहीं की थी क्योंकि वही सब स्टार्टर वगैरह खाकर ही पूरा मेरा टमी फुल था। यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे अच्छे गोवा गॉन बिरयानी था और पता नहीं क्या क्या, मुझे एक का ही नाम आया था एंड ऊपर में अन्य सब का दिया हुआ था। यह है मटन बिरयानी जो मेरे हस्बैंड लोगों ने खूब खाया एंड यह चिकन विकन है, फिश है, मतलब इधर इधर नॉन वेज का है और उधर वेजिटेरियन था, मतलब उधर वेज का था। तो मैंने तो इन सब में से हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरा एकदम टमी पूरा फुल हो गया हुआ था। एंड यह पानी पूरी, तो पानी पूरी को मैं कैसे छोड़ सकती थी तो उसको मैंने ट्राई किया एंड वह भी काफ़ी टेस्टी था। पानी थोड़ा ठंडा ठंडा था एंड रात में ठंडा मौसम भी हो गया हुआ था तो मतलब थोड़ा सा ठंडा लग रहा था। एंड यहाँ पे रियो को देखिए पपड़ी खा रही है, तो यह रहा मेरा पानी पूरी या तो पानी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, स्पेशली बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट मैं चार नहीं खा पाई, मैं दो ही खाई एंड दो को मैंने छोड़ दिया क्योंकि केक वेक कभी सब कुछ तो बाकी ही था। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम है जो मेरे देवर लेके जा रहे हुए अपने लिए लिए हुए हैं। एंड यहाँ पे सर कुछ डेजर्ट में रखा हुआ है, केक वेक, स्वीट्स एंड का था, हाँ आइसक्रीम वगैरह था, साबूदाना का खीर था, मतलब बहुत कुछ था। एंड नीचे फ्रूट सैलड था और साइड में फ्रूट सैलड बहुत सारा था। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, फिर मैं सबको ट्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ से केक लिया एंड समय से मैं थोड़ा थोड़ा केक वर्क करने से लूँगी, ट्राई करूँगी। तो मुझे मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मीठा तीखा सब बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, सब में से थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे। आप
श्योरली अगर आप इधर के हो तो ज़रूर जाना, फिर यहाँ पर देखना कि कितना अच्छा लगता है। एंड किसी का बर्थडे हो तो ये लोग गिफ्ट भी उसको करते हैं, मतलब गिफ्ट भी कुछ देते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे 3-4 लोगों का बर्थडे था तो केक, और हाँ केक भी वे लोग मतलब जो बारिश नेशन वाले हैं वे लोग खुद की तरफ से केक वेक कटवाते हैं एंड गिफ्ट भी देते हैं। तो हम लोग से पूछा गया कि कुछ ओकेजन है, तो कुछ कोई ओकेजन तो था नहीं, तो हम लोग बस ऐसे ही गए थे। तो बोले कि नहीं नहीं अनरियो यहाँ पे कितना ज़्यादा हैप्पी हो रही है केक खाकर। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ट्राई किया, तो यह है पान फ्लेवर जो मेरे हस्बैंड खुद के लिए बनवा रहे हैं। एंड उनको पान फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे मलाई का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं मलाई फ्लेवर मतलब मलाई आइसक्रीम में लूँगी। तो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल सा पान आइसक्रीम में लग रहा था एंड यह मेरा आइसक्रीम तैयार हो रही कितना टेस्टी है ना देखने में, आप लोगों को कैसा पता होगा कितना है, बट मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, देखने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यह रहा मेरा आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग स्वीट्स के पास गए, तो यहाँ पे मूंग दाल का हलवा था जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ का, स्पेशली यहाँ का हलवा। वे यहाँ पे कई बार आ चुके हैं बट मैं मतलब ये मेरा सेकेंड टाइम ही है। एंड वे मूंग दाल का हलवा देखो कितना ज़्यादा ले रहे हैं। एंड उसके बाद यह है आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर है एंड बटर स्कॉच भी है। तो मेरे हस्बैंड को बटर स्कॉच अच्छा नहीं लगता, वनीला अच्छा लगता है, तो उन्होंने वनीला लिया एंड ठंडी ठंडी वनीला के ऊपर से एकदम गर्मा गर्म आइसक्रीम, सॉरी गर्मा गर्म गुलाब जामुन, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, इतना ज़्यादा एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। कभी आपको ट्राई करना ठंडी ठंडी आइसक्रीम एंड गर्मा गर्म उसके साथ मिठाई, ऑफ मज़ा आ जाएगा एकदम। वे देखो थोड़ा सा हलवा और लिए एंड यहाँ पे रियो है अपने चाचू के गोद में एंड वे लोग भी खा रहे हैं, शायद वे लोग मेन कोर्स बिरयानी वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने तो मेन कोर्स टच भी नहीं किया। तो यहाँ पे रियो देखिए कितना परेशान कर रही है उनको, अब यहाँ पे रियो मेरे से लड़ेगी, वह बार बार अपना सूट खोल रही है एंड मैं उसको बार बार पहना रही हूँ फिर वो खोल दे रही है। एंड यहाँ पे एक बार ना रियो को चोट भी लगा हुआ था, जहाँ पे वो खड़ी हो रही वहीं पे खूब सारा रोई हुई खूब सारा। सो खाने वाने के बाद बिल पे करना था, तो मेरे हस्बैंड बिल पेमेंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे वे लोग इसको भी सैनिटाइज किए, तो मतलब काफ़ी अच्छा से सब पूरा सेफ था। एंड बिल पेमेंट करने के बाद हम लोग बाहर आ गए घर जाने के लिए एंड अब लिफ्ट का वेट हो रहा है, ठंडी थोड़ा सा बढ़ गई है, 10 बजने वाला है एंड हम लोग 7 बजे के आसपास में निकले थे, 7:30 के आसपास हम लोग 7:15 ऐसे हम लोग निकले थे। तो यह आ गया हमारा लिफ्ट एंड यह फर्स्ट फ्लोर पे है, तो एकदम एक सेकंड में प्लग झपकते ही हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा से पूरा गमला रखा हुआ ना फ्लावर पॉट एंड बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी एकदम हवाएं चल रही थी, थोड़ा सा ठंडा मतलब लग रहा था अभी। तो मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी हम लोग गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे एंड हीटर चलेगा तो फिर सही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे हेयर देखो कितना ज़्यादा उड़ रहा है, इसे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा हवा था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था सब। बहुत सब मतलब बहुत सारी दुकानें बंद भी हो गई थी एंड बहुत कुछ अभी खुला भी हुआ था। तो यहाँ पे मैं रियो को लेकर जा रही हूँ गाड़ी के पास। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 बजने को है एंड हम लोग अभी पार्किंग एरिया में ही है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं एंड अब चेंज वेंज करके सोना है, चलिए अब जाते सोने को, डेट पाए।